गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा जो मैथ का टॉपिक शुरू किया हुआ था हमने, वो था परसेंटेज। परसेंटेज में हम कर चुके थे, ठीक है, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज एंड परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज इनटू डेसिमल। ओके, ये तीन पॉइंट्स हैं, जो तीन सब टॉपिक्स हैं इसके परसेंटेज के, वो हम कर चुके हैं। परसेंटेज इनटू डेसिमल, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ओके, तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा आज, वो रहेगा डेसिमल इनटू परसेंटेज। ओके, डेसिमल इनटू परसेंटेज, ये क्या होता है डेसिमल, ठीक है, ये जो बीच में, ये क्या होता है डेसिमल, ठीक है, जैसे 2.3, तो ये क्या होता है डेसिमल। अब इस डेसिमल को हमने परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है, चलो देखते हैं तो कैसे करेंगे। डेसिमल इनटू परसेंटेज, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 0.87, इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कैसे। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, जो डेसिमल के करना होगा, ख़त्म करना होगा। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, 2, तो कितनी है 2 डिजिट, और डेसिमल का लगेगा एक नीचे, ठीक है, डेसिमल का एक, 2 डिजिट का 2 0, ऊपर कितनी है, कितना बन गया 87, तो ये बन गया 87/100। ओके, जब डेसिमल को फ्रैक्शन, सॉरी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो तब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो अब देखो, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो क्या आ गया, 100 से 100 कट, ओके, 1 100 1 1, तो कितना आ गया 87, कितना था 87/100 मल्टीप्लाई 100 कट, ठीक है, 1 पे 87 मल्टीप्लाई 1, तो इज इक्वल टू 87%, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 0.87, ये कितने परसेंट हुआ, 87%। ओके, कितने परसेंट हुआ, 87%, अच्छे समझे होगे। उसके बाद है जो आपका अगला सम है, 0.026, 0.026। ओके, अब देखो कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3। ओके, तो कितनी जीरो होनी चाहिए, नीचे 3, देखो ऊपर कितना है, 26/1 1, 2, 3, 3 डिजिट थी तो 3 0 आ गई, तो हमारा जो डेसिमल के बाद कितना आया, 26/1000। ओके, तो क्या करते हैं डेसिमल को ख़त्म करने के लिए, ऊपर क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो 0 से 2 0 कट गई, अब हमारा बच चुका है 26/10। ओके, अब देखो नीचे 10 बचा है, ठीक है, 10 बचा है, तो इसका मतलब क्या है कि 10 का हमने क्या लगाना है, ठीक है, ये परसेंटेज में होगा 26/10%, तो 10 का हम, 10 को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, इसका डेसिमल, ठीक है, एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के जाए डेसिमल, तो 2.6%, 2.6%, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। बस इसको क्या करना है, आपने डेसिमल को ख़त्म करके उसको फ्रैक्शन में बदल लेना, फ्रैक्शन को, ठीक है, तो ऊपर जाके फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना बाय 100, ठीक है, बाय 100, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इज जो हमारा सम है अगला, वो होगा 112.5, 12.5। अब देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, एक, कितनी डिजिट है एक, तो ऊपर कितना बच गया, ये तो सेम रहेगा, डेसिमल ख़त्म कर दिया तो हमने ऊपर डेसिमल का एक एक डिजिट की 0, तो 125/, फ्रैक्शन हमारी क्या बनी, 125/10, ठीक है, ये बनी, तो क्या बताया था कि इसको क्या करना है, 125/10 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके,
डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कट गई, 1 0 से 0 कट गई, तो हमारा ऊपर क्या बचा, 125 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना बचा, 125 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखो 125 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 12,000 या 1,250%। ओके 1,250%, ठीक है बेटा। ठीक है, ये थे हमारा डेसिमल टू परसेंटेज, ठीक है, डेसिमल टू परसेंटेज। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, बिल्कुल आसान है। तो जैसे ही आपके सम होंगे, ठीक है, जो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, तो ये करने हैं आपने, सेम ही होंगे, बस आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।